अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं हरे मसाले में पॉपलेट फ्राई बना रही हूँ, तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये पॉपलेट मच्छी ली है, ये बड़ा वाला पॉपलेट था। ये 5 पीस है, तकरीबन आधा किलो। देखिए इतने बड़े बड़े पीस थे। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 नींबू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन और मुट्ठी भर हरा धनिया। ये हरे मसाले का पापलेट फ्राई है। तो चलिए पहले मसालों को पीस कर लेंगे। ये मिक्सी जार लिया है, इसमें हरा धनिया डालेंगे, जीरा, अदरक लहसुन और मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आप तीखा पसंद करते हैं तो तीखा ले लो, ये तीखी वाली मिर्ची नहीं। अब इसमें नींबू डालेंगे, इसमें नींबू निचोड़ेंगे, नींबू के पानी से ये पीस जाएगा, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा, थोड़ा सा अगर लगे 1 टेबल स्पून तो डाल सकते हैं। पूरा नींबू इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मैंने पीस कर लिया है, बारीक एकदम पीसेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाला था, अच्छे से मिक्सर में से निकाल कर लेंगे। अब इसमें हल्दी और नमक डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके लिया है, अब इसमें फिश डालेंगे, इसको अच्छे से इस तरह से कोट करेंगे। ये देखिए ऐसे ही सब लगा कर लेंगे हम लोग, और इसको 15 मिनट या आधा घंटा रखो। मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। सारे ऐसे ही लगा कर लेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया हमारे मच्छी को, तो अब इसको फ्राई करते हैं। मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है। देखिए तेल हमारा गरम हो गया, थोड़ा तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। अब इसमें हम लोग फिश ऐड करेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे, अच्छे से मसाला कोट करके इसमें डालना है। अब मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से सेकने देंगे एक तरफ से, फिर इसको पलटी करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए एक तरफ से सीखते हुए, अब इसको हम लोग टर्न करेंगे इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और एकदम फ्रेश था ये। अब दूसरी तरफ से भी इसको 3 से 4 मिनट सेकने देंगे। देखिए मच्छी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने फिर से एक बार पलटी करके इसको अच्छे से सेक कर लिया है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार और टेस्टी पापलेट फ्राई तैयार है, हरे मसाले का पापलेट। ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगती है। तो चलिए अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।